सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज बाई SD। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है वायरस। क्या है वायरस? यानी विषाणु। क्या है फ्रेंड्स? विषाणु। आज हम समझेंगे वायरस यानी विषाणु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी और कब की थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो विषाणु को रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की द्वारा 1892 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? रूसी वैज्ञानिक इवान विस्की द्वारा 1892 ईस्वी में खोजा गया था, तब वायरस की खोज हुई थी। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की होती है। यानी वायरस जो होते हैं वो जीवित भी होते हैं, सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। ओके, विषाणु को तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय खोजा गया था। यानी विषाणु को कब खोजा गया था? जब मोज़ेक रोग पर खोज चल रही थी, मोज़ेक रोग पर रिसर्च चल रही थी, तब उसे खोजा गया था। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। यानी विषाणु को क्रिस्टल के रूप में निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक बोतलों में रखा जा सकता है। यानी जो आपका वायरस है उसे बोतलों में भरकर भी रखा जा सकता है कई वर्षों तक। विषाणु जब भी किसी जीवित कोशिका में पहुंचते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। यानी विषाणु जब भी किसी कोशिका में पहुंचेंगे, जो भी जीवित कोशिका है, यानी कोशिका यानी सेल, जब भी ये किसी सेल में पहुंचते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस आर द मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जंतुओं में फुट एंड माउथ विषाणु के कारण ही होता है। यानी पशुओं में जैसे गाय भैंस में आपने देखा होगा कि जैसे फुट एंड माउथ जो होता है रोग, जिसे आपने सुना होगा देहाती भाषा में मुंह पका खुर पका जैसे बोलते हैं, वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? वायरस के कारण होता है। विषाणु बिना कोशिका के सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल सजीवों में ही सक्रिय होते हैं। विषाणु जो आपका वायरस होता है उनमें कोशिका नहीं होती है और ये केवल सजीव में ही सक्रिय होते हैं, यानी सजीव में ही काम कर रहे होते हैं। विषाणु तीन प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं, फिर इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, पर मैं अभी इन तीनों की बात कर रहा हूँ। विषाणु तीन प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। वायरस नाम मार्टिनस ब्लेम बेजरिंग द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिनस ब्लेम बेजरिंग द्वारा दिया गया था वायरस का ये जो नाम है वायरस। सो आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फ्री नॉलेज बाई SD।